अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए एक और बहुत ज़बरदस्त ट्रेंडी और खूबसूरत सा लिपस्टिक का शेड। आई होप कि आपको अच्छे लगते हैं लिपस्टिक के शेड, तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ बेशुमार अनलिमिटेड लिपस्टिक के शेड शेयर किए जाएँ। तो जी आज मैं बनाने जा रही हूँ फिर से बॉडी एंड पेंट पैलेट के साथ लिपस्टिक, और आज मैं बहुत ही खूबसूरत बड़ी हसीन लिपस्टिक शेड जो है ना वो लिपस्टिक का बनाने जा रही हूँ, जो मोस्टली गर्ल्स को और वुमेन को, गर्ल लड़कियों को बहुत पसंद होता है, जिससे वो बहुत खूबसूरत लगती हैं और उनकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं उस लिपस्टिक के शेड से। जी हाँ, तो आज मैं जिस लिपस्टिक के बारे में बात कर रही हूँ वो यकीनन आपका भी फेवरेट लिपस्टिक शेड है। तो कैन यू गेस कि मैं कौन सा शेड जो है बनाने जा रही हूँ? अच्छा जी, यहाँ पर ना मैं बड़े सिंपल तरीके से, देसी तरीके से बनाने जा रही हूँ। हम लेंगे ब्रश और उसकी मदद से हम उठाएंगे जी पिंक शेड। जस्ट हमने तीन शेड मिक्स करने हैं और हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त सा लिपस्टिक शेड बन जाएगा। ओके, देन लिपस्टिक जो है ना, आपने शेड जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं उठाना, जितना आपको रिक्वायर्ड है कलर यानी जितनी लिपस्टिक उतना ही आपने उठाना है। फिर इसके बाद हमने ये रेड शेड लेना है और इसके बाद इसको मिक्स करना है। तो इसके लिए मैं और एक ब्रश स्विच करूँगी, क्योंकि ऐसे फिर मिक्स हो जाता है पैलेट भी में भी थोड़ा सा ना कलर जो है ना ऐड हो जाता है। तो इसके बाद अब रेड शेड लेने वाली हूँ मैं, और रेड शेड भी जो है वो भी हमने एक स्मॉल अमाउंट में इसमें लेना है और उसको हमने ऐड कर लेना है। ठीक है, अब ये दो शेड हमारे हो गए और हमने आपने क्वांटिटी देख ही लिया कि इक्वल ले ली। अब हमने ये वाइट शेड लेना है, और एज़ आई टोल्ड यू कि ये सारा जो है ना क्रीमी पैलेट है, इससे जो है वो बड़ा प्यारी सी हमारी क्रीमी लिपस्टिक्स बनती हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर आप इसको और ज़्यादा बनाना चाहते हो न्यूड तो वो भी आप बना सकते हो, मैट बनाना चाहते हो तो वो भी, इसका फार्मूला मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपने जो शेड्स हैं वो जो है वो अब निकाल लिए थे जितने हमें रिक्वायर्ड थे। अब मिक्सिंग की बारी आती है, तो मिक्स हमने अच्छे से कर लेना है। ठीक है, यानी लम्ब्स नहीं रहने चाहिए, सारे कलर्स जो है ना अच्छे से मिक्स होने चाहिए, और जैसे कोई कोई रह जाता है ना लम्ब्स, वो नहीं रहना चाहिए, वो भी हमने अच्छे से जो है ना वो हल कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, और आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमारा मिक्स हो गया। अब थोड़ा सा अगर हम इससे भी थोड़ा डार्क चाहते हैं, ठीक है, ये शेड भी इनाफ है, अभी हमें थोड़ा सा अपने रिक्वायर्ड जो है ना वो डार्कर शेड चाहिए। ठीक है, तो उसको हमने फिर रेड, थोड़ा सा रेड और ऐड किया है। ठीक है, इसी में, और अब हम फिर से इसको जो है ना वो मिक्स करने वाले हैं ब्रश की हेल्प से अगेन। तो और इसको अब, अभी तो ये पिंकिश बन गया शेड, ये भी आपको पसंद है तो आप इस यहाँ तक कर सकते हो, लेकिन हमने रूबी रेड बनाना है तो इस वजह से ना मैंने थोड़ा और ऐड किया है रेड को। ठीक है, तो अच्छा जी, आपको पता है कि ये जो कलर्स होते हैं इसको मिक्स एंड मैच करके हमें पता चलता है कि कौन सा कलर हमें रिक्वायर्ड है। अब थोड़ा सा पिंक और ऐड कर लेते हैं, मुझे ज़रूरत महसूस हो रही थी कि मेरा जो रिक्वायर्ड शेड है ना, जैसा मैं सोच रही हूँ, जैसा मैंने आपके लिए पसंद किया ना, वो शेड अभी मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, वो मुझे मिल नहीं रहा। ओके देन जी, ये वाला शेड मैं फिर से इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसके बाद जो है ना यहाँ पर इसकी और मिक्सिंग होने वाली है। ठीक है, तो अब ये अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, जितना अच्छे से हो सकता है ना आपने मिक्सिंग करते जाना है, और मिक्सिंग जो है ना जैसे लम्ब्स रह जाते हैं ना बाजू का, तो वो नहीं हमने रहने देने। ठीक है, लम्ब्स की वजह से ना फिर वो कहीं से डार्क कहीं से लाइट बन जाती है लिपस्टिक को, या फिर हो सकता है लम्ब्स की वजह से कोई लम्ब वाइट रह गया हो, तो वहाँ से फिर आपको पता है गड़बड़ हो जाता है शेड। तो ये अब हम चेक कर लेते हैं हमारा कैसा लिपस्टिक का शेड बना है। आह वाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आउटस्टैंडिंग शेड बना है, और मुझे ज़रूर बताना ये लिपस्टिक का शेड किस किस का फेवरेट है। भाई मेरा तो ये बहुत ही फेवरेट शेड है। ओके जी, तो ये बन गया जी हमारा बड़ा ही प्यारा सा हसीन सा शेड। आपको पता है कि आजकल लिपस्टिक जो है ना वो वैसे बहुत ज़्यादा कॉस्टली हुई हुई है, और इस तरह से जो रिक्वायर्ड जो हमारे शेड्स होते हैं ना पसंदीदा, वो भी बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के मिलते हैं। ओके देन, थोड़ा सा और अब अगर हमने इसमें रेड ऐड कर दिया ना, तो फिर ये जो कलर है ना, ये और इसकी गेम चेंज हो जाएगी, ये एक और कलर बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि पहले मैं आपके साथ एक शेयर करती थी ना कलर, अब मैंने सोचा आपके साथ तो उसी वीडियो में ना दो शेड आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि थोड़ा थोड़ा सा जो है ना मिक्स मैच करके कितना बंदा जो है ना वो कलर जो है ना एक से एक बढ़ के जो है ना वो कलर बना सकता है। तो जी यहाँ पर मैंने वाइट ऐड कर लिया, तो अब देखो कलर फिर से जो है ना वो कैसा पीची सा पिंक जो है ना वो बन गया, और ये बहुत ही खूबसूरत शेड बन गया हमारा। ठीक है, इसको मिक्स और कर लेना है, तो देखते हैं अब ये कलर कैसा बनता है। तो यहाँ पर मैं अब इसको लगा के देखती हूँ, और ये चेक करें, ठीक है, वो पहला वाला थोड़ा डार्कर है, और ये चेक करें कितना प्यारा सा उससे लाइट शेड बना है। ठीक है, इसी तरह से आप जो है ना एक्सपेरिमेंट करके अपने शेड्स बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियोज़ पसंद आती होंगी, अगर पसंद आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आपको इन दोनों में से कौन सा कलर पसंद आ